बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी वांट टू डिस्कस समथिंग अबाउट ग्रामर सेक्शन। फर्स्ट वी वांट टू स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, आर थिंग, आर एनी नेम। मोस्टली वी वांट टू डिस्कस अबाउट टू, इट्स बीन फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू डिस्कस अबाउट एनी एग्जैक्ट डेफिनेशन फॉर इट, एनी थिंग विच इज हैविंग नेम इज कॉल्ड नाउन। टोटली इट हैज सिक्स कॉन्ड विद अस। फर्स्ट वन ऑफ देम इज कॉमन नाउन, नेक्स्ट वन ऑफ देम इज प्रॉपर नाउन, थर्ड वन वी वांट टू डिस्कस अबाउट मटेरियल नाउन, फोर्थ वन वी वांट टू डिस्कस अबाउट अबिस्टिक नाउन, फिफ्थ वन वी वांट टू डिस्कस अबाउट कंक्रीट नाउन, सिक्स्थ वन वी वांट टू डिस्कस अबाउट कलेक्टिव नाउन। इन कॉमन नाउन वी वांट टू डिस्कस अबाउट नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस, अर थिंग, दीज आर कॉमन। एंड प्रॉपर नाउन वी वांट टू डिस्कस अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जाम्पल, 10 स्टूडेंट्स आर देयर, वन टीचर इज देयर, स्टूडेंट्स ऑल आर कॉमन। इफ आई से टीचर, then teacher will be proper. If 10 teachers are there, all of them are common. If I say any name, Mr. Muhammad Akram, then he will be proper. In material noun, we want to discuss the material of noun. For example, now pen is one source of noun. If I say material of pen is plastic. Abstract noun, we want to discuss about those things which we cannot see in them, which we cannot touch them, just we can feel them. Example, coldness, hotness, fear, anything else. And concrete noun, we want to discuss about name of a solid thing which we can see and which we can touch. These are opposite to each other. And collective noun, we want to discuss the things collectively, an army, a team, a dozen of eggs, a set of glasses. कॉमन नाउन में हम लोग आम चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसा कि हम लोग स्टूडेंट के 10 से सब के सब कॉमन है। अगर उनमें से किसी एक का नाम हम लोग डायरेक्टली ले लें, फिर वो हमारे लिए प्रॉपर या पार्टिकुलर होगा। और मटेरियल में नाउन के मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो किस चीज़ से बना हुआ है। और अबस्टिक में उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको हम लोग ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते, सिर्फ फील कर सकते, जैसा कि सर्दी है, गर्मी है, नफरत करना, पसंद करना। और कंक्रीट नाउन में वो चीज़ें जिनको देख भी सकते हैं, छू भी सकते, जैसा कि या एनी रूम। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का मीनिंग है जमा करना, चीज़ों को एक साथ एग्रीगेटली हम लोग डिफाइन करेंगे, कम्युलेटिवली हम लोग डिफाइन करेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल, एक एक एग्जांपल लिख लेंगे, एन आर्मी, यहाँ पे लिखेंगे रूम। अबस्टिक नाउन एट, नफरत करना। मटीरियल नाउन हम लोग प्लास्टिक लिख लेंगे। प्रॉपर नाउन अली अहमद। कॉमन नाउन हम लोग स्टूडेंट लिख लेंगे। एंड फॉरवर्ड वी वांट टू डिस्कस अबाउट आर्टिकल। ओके, आर्टिकल, हियर वी वांट टू डिस्कस समथिंग अबाउट आर्टिकल। आर्टिकल, अ पीस ऑफ रिटन एक्सप्रेशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वी वांट टू नोट इन द नेम ऑफ आर्टिकल। एक्सेप्ट दिस वन, फर्स्ट वी वांट टू डिस्कस अबाउट न्यूज। टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फोर डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, इट्स मीन टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फोर डायरेक्शन, दैट वी वांट टू नो द नेम ऑफ आर्टिकल। बट हियर वी वांट टू डिस्कस समथिंग एल्स। हियर वी वांट टू डिस्कस अबाउट ए, एन एंड देन। वी हैव टू सॉर्ट्स। फर्स्ट वन ऑफ देम इज डेफिनेट आर्टिकल एंड नेक्स्ट वन ऑफ देम इज इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट मीन्स काउंटेबल, दोज थिंग्स विच वी कैन काउंट देम। इनडेफिनेट मीन्स अनकाउंटेबल, आउट ऑफ बाउंड, विच वी कैन नॉट काउंट, अनलिमिटेड, अनकाउंटेड। एंड एयर वी वॉन्ट टू से टू सोर्ट्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट वन ऑफ देम इज ए एंड नेक्स्ट वन ऑफ देम इज एन। एंड एयर वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट दे। एंड दिस वन मोस्टली वी वॉन्ट टू यूटिलाइज विद कॉन्सनेंट्स। And this one we want to discuss about vowels. A boy, a pen, and those which are going to emerge from vowel, we want to put N with them. Except there is one vowel which is renewed in the name of you. Sometimes it will work for his own benefit. At that condition, we do not want to put N with it. When it is going to give his own sound, U, at that condition, we want to put A with it. A union, a unique, a university, a uniform. When it is going to contain the meaning of, you may say, vowel, at that condition, it will not give his own meaning. As example, umbrella, we will say, right, an umbrella we want to put. And here it has two pronunciation, but this one we want to discuss for particular things. Particular means khas or proper, you will say that. It has two pronunciation. First one of them is the and next one of them is the. Any particular thing which is going to start from vowels, at that condition we want to pronounce this one the. The elephant, the ant, the English. And when your particular thing is going to start from consonants, at that condition we want to put they. The boy, the book. After that we want to discuss forward about interjections. In introduction, we have communicated already. It's mean these are some voices which we want to utilize in our speaking. Here we want to tell that it's mean ah, ah, aha,
O. These all we want to utilize for any sorts of victim. And next we want to say Vav. This one for goodness and badness. For example, if any competition is there, if you lost by any child, then your friend will tell you, wow, you have lost from child. If you took first position, then for happiness, he will say, wow, you have defeated or you have gotten any position. And next we want to say about Aura. Just for pleasure, for happiness, we want to discuss about this one. Aura, we have defeated them. Aura, we took first position. Aura, they lost the match. And next we want to discuss about ouch. To feel any sort of pain. You are running, if you fall down at that condition, you want to utilize ouch. And next we want to say of any dislike objectification. It means that action which you do not like. And forward we want to discuss about M. And third one we want to discuss about M and M. This one means yes, this one means no, and this one will contain any sorts of taste or any sorts of smell. And here it is depend upon their usage is how to discuss them or how to let them understand. And last we want to discuss about conjunction. Conjunction is important topic. And conjunction definition means which connect two sentences or two clauses together. Total it has two kinds. First one of them is coordinating conjunction. Coordinating conjunction. And next one means subordinating conjunction. This one has four kinds. This one has nine kinds. Now we want to discuss by detail. First one of them is accumulative conjunction. Accumulative conjunction. In accumulative conjunction, we want to discuss about simple sentences. We will say that we want to connect two sentences by and he plays football and I play cricket. She eats food and he cook food. It's mean mostly a sentence which is going to be affixness or annexness are connected by and that we want to know the name of accumulative sentence. And next we want to discuss about alternative. Alternative sentence. Alternative, here we want to discuss about two choices. We want to put or come here or go there, sit down or stand up, play well or go out. And third one we want to discuss about adversative. Here we want to discuss about opposing sentences. Even though we want to put mostly, we say though he is a poor, he is generous, though he is a teacher, he cannot teach, though he is a student, he can teach. And last sentence, which is written in the name of elative sentence. Here we want to discuss about between two results. We will say that he did not work hard, therefore he remained in the test. He did not come on time, therefore he missed the topic. Mostly we want to put any sorts of result here. We want to discuss adversative opposing sentences, alternative between two choices, accumulative simple sentences. Here simple sentences, between two choices, between two contrast sentences, between two result. And, or, though, although, even though, therefore. And forward we want to discuss about subordinative conjunction. Total it is 9 kinds. First we want to put time. Next we want to discuss about place. Third we want to discuss about reason. Fourth we want to discuss about any aim. Fifth one we want to discuss about manner. Sixth one we want to discuss about any condition. Seventh we want to put contrast. Eighth we want to discuss about comparison. Last one, we want to put any source of result. First, we want to discuss about time. Mostly here, our concentration is towards conjunction. Those conjunctions join two sentences or two clauses. Here, about time, we want to utilize when. I will ask question from him, when he will come. I will ask him where he was going yesterday, when he will come. It's mean mostly we want to connect two sentences by when, whenever, whensoever, before, after, while, during, anything else. Those conjunctions which connect to that time. And next we want to discuss about place. Place mostly we want to discuss about where. We will study there where we read yesterday. We will meet with him there where we met yesterday. And here for reason mostly we want to put because. I was absent yesterday because my bike was puncture, or I was not here mostly because students are playing outside because their teacher is absent today. And so that we want to put for aim. So that we will say that we come here so that we get any language. We ask questions so that we get any sorts of answer. After that, we want to discuss about manner. Mostly for manner, we want to put as. He teaches as he was teaching us. Play well as he is playing. It means as is going to show any sorts of manner which we want to know the name of andaz. And condition, here we want to discuss about condition of person, place, or thing. Mostly we will say, if he is a teacher, he can teach us. If he is a doctor, he can treat us. If he is a person, he will discuss with us. And contrast, we want to discuss about opposite sentences. Here mostly we want to put but.
He is a teacher but he cannot teach. He is a student but he can't teach. He is a driver but he cannot drive. He is a student but he can't drive. And comparison, mostly we want to put two things. First one of them is as, and next one of them is them. Then, he has as many friends as you have. He is good than me. He is good than you. Or she is talented than me. Anything else means then, between two persons, as between two things. Anything else means mostly we want to show comparison, which contains the meaning of mawazana karna. And result we want to say, if he worked hard, he will pass the exam. If he come on time, he will get any sorts of topic. Now here we want to discuss in Urdu language a bit from article. We want to start article. कहते हैं हम लोग मज़मून को. यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के article हैं, definite और indefinite. Definite का meaning है वो चीज़ें जिनको हिसाब कर सकते हैं. English में हम लोग कहते हैं countable. Indefinite uncountable. यहाँ पे a और n. a को हम लोग consonant वो अल्फाज जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है ए पुट करेंगे, एन वावल के साथ पुट करेंगे. और वावल में यू एक ऐसा डिजिट है, लेटर है, जो कभी कभार अपने खुद की बेनिफिट के लिए काम करता है. उस वक्त उसके साथ हम लोग आ इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि अपना खुद का वॉइस देगा. उसको हम लोग कैसे पहचाने कि अपने खुद के लिए काम करें? अपना खुद का वॉइस. यूनियन, यूनिक, यूनिवर्सिटी, उसके साथ आ. जब अपने खुद के लिए काम नहीं करेगा, वावल के लिए काम करेगा, वहाँ पर अपना नाम नहीं देगा. जैसा कि हम लोग कहते हैं अम्ब्रेला, उमर, वहाँ पर क्या एन पुट करते हैं. और दूसरा हमारे पास इंडेफिनिट दैट आर्टिकल क्या है? दे. इसके टू प्रोनाउंसिएशन है, तलफ़ुज़ है. एक को दी कहते हैं, दूसरे को दे कहते हैं. दी उस वक्त होगा जब आपका पर्टिकुलर थिंग वावल से शुरू होगा. जब कॉन्सोनेंट से शुरू होगा उसके लिए हम लोग दे इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद हम जब इंटरजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ये सम वॉइसेज है. दीज आर सम वॉइसेज विच वी वॉन्ट टू यूटिलाइज वाइल स्पीकिंग. स्पीकिंग के दौरान की एग्जैक्ट मीनिंग वगैरह नहीं होते. आ आ आ, ये इनको किसी विक्टम दुख के लिए इजहार करने के लिए. और इनमें एक है आहा, इसको हम लोग लाफिंग के लिए. और इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क इंपॉर्टेंट है, सब में इसको पुट करते हैं. वाव को हम लोग ऐसा समझो गुडनेस और बैडनेस दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल में बता दिया कि अगर आप कोई मैच खेल रहे हो किसी छोटे बच्चे से, अगर आप हार गए, आपके खुद के फ्रेंड्स आपको कहेंगे वाव आपने कमाल किया, आप हार गए एक छोटे बच्चे से. अगर आपने किसी बड़े टीम को जीत लिया, फिर आपको दाद देंगे, अप्रिशिएशन बता देंगे, वाव यू हैव डिफीटेड देम. एंड और हम लोग उस वक्त डिस्कस करेंगे जब कोई खुशी का मोमेंट या मुसरत का मोमेंट होगा. एंड आउच, किसी दुख को या तकलीफ़ को, सडन पेन को फील करने के लिए. वो चीज़ जिसको आप डिसलाइक करते हैं, अचानक कोई चीज़ मिस करते हो, या किसी पेपर में एक मार्किंग में रहे, फिर उसके लिए उफ का इजहार कर लेंगे. मोस्टली दीज आर इंग्लिश इंटरजेक्शंस. उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? कंजक्शन मीन्स कनेक्ट करना, ज्वाइन करना, या दो चीज़ों को रिलेटिविटी करना या रिलेट करना, मिलाना. इसके दो किस्म हैं. पहले हमारे साथ क्या है? कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन. इसके चार कांड्स हैं. सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के हमारे पास 9 कांड्स हैं. सबसे पहले इनको डिस्कस करेंगे. अकम्युलेटिव कंजक्शन में क्या करेंगे? सिंपल सेंटेंसेस को एंड के जरिए कनेक्ट करेंगे. जैसे कि उर्दू में कहें, मैं फुटबॉल खेलता हूँ और वो क्रिकेट खेलता है. आई प्ले फुटबॉल एंड ई प्लेस क्रिकेट. अल्टरनेटिव में बिटवीन टू चॉइस या ऑप्शन को कनेक्ट करेंगे. कम हियर और गो हियर, सिट डाउन और स्टैंड अप. एडवर्सेटिव में अपोजिंग सेंटेंस, जैसा कि हम लोग अल्फाज और मुतजाद के उलट कहते हैं. वो एक टीचर है लेकिन नहीं पढ़ा सकता. दो इज़ अ टीचर, ही कैन नॉट टीच. वो एक ड्राइवर है लेकिन नहीं ड्राइव कर सकता. ही इज़ अ ड्राइवर. दो इज़ अ ड्राइवर, ही कैन नॉट ड्राइव. एक दूसरे के अपोजिट, दो आल, दो इवन, दो यहाँ पे पुट करते हैं. इलेटिव में रिजल्ट, यहाँ पे देयर फॉर पुट करेंगे. ई डिड नॉट वर्क आउट, देयर फॉर ही रिमेंड इन द टेस्ट. ई डिड नॉट कम ऑन द डेली बेसिस, देयर फॉर ही इज नॉट गेटिंग नथिंग. उसके बाद हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हमारे पास 9 कांड्स हैं और यहाँ पे उनके नाम के मुताबिक हम लोग कंजक्शन उनसे रिलेट करते हैं. टाइम के बारे में वैन, वैन एवर, वैन सो एवर, बिफोर, आफ्टर, ये सारे डिस्कस कर लेंगे. आई विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हिम, वैन ही विल कम. जब वो आएगा मैं उससे सवाल पूछूंगा. वैन को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. प्लेस में वेयर, वेयर एवर, वेयर सो एवर, वी विल स्टडी देयर, वेयर वी स्टडी यस्टरडे. इट्स मीन वेयर क्या करते हैं? प्लेस को शो करते हैं. रीजन मोस्टली बिकॉज, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग आउटसाइड बिकॉज देयर टीचर इज एब्सेंट. एक रीजन है इसलिए वो क्या कर रहे हैं? आउटसाइड खेल रहे हैं. एम में हम लोग सो देट पुट करते हैं. एग्जाम्पल, वी वर्क आउट सो देट वी गेट एनी पोजिशन. वी कम एयर सो देट वी गेट इंग्लिश लैंग्वेज. वी वर्क आउट सो देट वी गेट एनी पोजिशन. सो देट मोस्टली मैनर के लिए एज पुट करते हैं. और इस एज में फ़र्क है. यहाँ पे अंदाज को शो करते हैं, यहाँ पे कंपेरिजन शो करते हैं. यहाँ पे कहते हैं टीचर्स एज ही वॉज टीचिंग, ऐसे हमें पढ़ाओ जैसा हमें वो पढ़ा रहा है, ऐसे खेलो जैसा वो खेल रहे हैं. एज यहाँ पे जैसे का और जैसा का मीनिंग देगा. कंडीशन में, जैसा कि हम लोग 21 में टॉपिक डिस्कस किया था, यूज टू बी यूज फॉर पास्ट कंडीशन ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग. बट ये वी वांट टू डिस्कस अबाउट कंजक्शन. इफ इज अ टीचर ही टीचर्स, इफ इज अ डॉक्टर ही ट्रीटर्स. कंट्रास्ट वी वांट टू प्लेस बट. यहाँ पे बट को इस्तेमाल कर लेंगे. लेकिन का मीनिंग देगा ही इज अ टीचर बट ही कैन नॉट टीच. इज अ स्टूडेंट बट ही कैन टीच. इज अ ड्राइवर बट ही कैन नॉट ड्राइव. कंपेरिजन में दो चीज़ों को मुवाजना शो करेंगे. कंपेरिजन, कंपेयर कर लेंगे. ई एज एज मैनी बुक्स एज यू हैव. उसके भी इतने किताब है, आपके भी इतने, आप दोनों का मुवाजना कर रहे हैं. और देन में ई इज गुड देन यू, आर शी इज टैलेंटेड देन यू,
यहाँ पे मुवाजन शो कर रहा है। रिजल्ट में हम लोग इफ पुट करते हैं और प्लस सो भी पुट कर सकते हैं। इज सो इंटेलिजेंट नो वन कैन कम्पीट विद हिम। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द टेस्ट। इट वाज अवर ग्रामर लेक्चर।